ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। रोहतास जिले के नगर पंचायत कुआथ में गत 1 जून को हुए घटना में गंभीर रूप से घायल नवाबगंज निवासी राजेश यादव के घर दिनारा विधानसभा के विधायक विजय मंडल जाकर परिवार वालों से मिले और न्याय दिलाने की दिलासा भी दिया। हमारे संवाददाता पीके मिश्रा से बात करते हुए विधायक विजय मंडल ने कहा कि विगत दिनों कुआथ बाजार पर जो घटना घटी है वो जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। यहाँ घायल युवक को जिनका इलाज पटना के निजी अस्पताल में चल रहा है, कल रात जाकर वहाँ देखा और डॉक्टरों से बातचीत किया। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि युवक की स्थिति नाजुक है, हालात बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार पुलिस के निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, लेकिन इस घटना में पुलिस एकतरफा कार्य कर रही है जो समाज हित में नहीं है। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो वास्तविक दोषी है उसको सजा मिले, न कि निर्दोष लोगों को सजा दिलाया जाए। यहाँ की पुलिस एक तरफा कार्य करते हुए सिर्फ एक ही तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उस दिन गंभीर रूप से घायल युवक के पक्ष में से दिया गया आवेदन पर अभी तक किसी भी तरह के कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ के स्थानीय पुलिस दबाव में कार्य कर रही है। अपने क्षेत्र भ्रमण पे हैं, जिस गांव में घटना घटी है इसके बारे में कुछ आप मीडिया को बताएं। घटना अति निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और प्रशासन एकपक्षीय जो कार्रवाई किया है, प्रशासन का दायित्व है कि कानून का पालन करे और जो कानून का उल्लंघन करे उस पर कार्रवाई करे। कानून का यहाँ उल्लंघन हुआ और मैं जाकर के हॉस्पिटल में उस लड़के को देखा हूँ, उसके साथ जो हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। थैंक यू।